दोस्तों, भारत में जब भी तीन पहिया गाड़ी के बारे में बात करी जाती है तो डेक लेंथ या फिर डाले की लंबाई एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादातर तीन पहिया वाहनों में 5.5 फीट का डाला देखने को मिलता है, पर भारत में बैक्सी एक ऐसी कंपनी है जो 6.5 फीट से ज़्यादा लंबाई का डाला देती है। अगर मुझे उतना ही माइलेज मिलता है जितना और कंपनियां देती हैं, तब भी 6.5 फीट डाले से मुझे फ़ायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्सी सुपर किंग के बारे में। मैं आपको बताऊँगा इस गाड़ी का कीमत क्या है, माइलेज क्या है, मेंटेनेंस कितना आएगा, किस्त कितनी भरनी है, डाउन पेमेंट वगैरह कितना करना है, आपको वारंटी वगैरह क्या मिलती है। हम जानेंगे कि इसका इंजन कैसा है, खरीदना है आपको नहीं खरीदना है, क्या सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अंदर देखेंगे गाड़ी को बाहर देखेंगे और पूरी पूरी डिटेल्स मैं आपको गाड़ी की देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सामने से देखने में बैक्सी का सुपर किंग काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें खूब सारे कलर्स भी आते हैं और सामने की तरफ आपको सुपर किंग का स्टिकर दिख जाएगा। दोनों पैनल्स को जोड़ने के लिए क्रोम की पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी बहुत ही नीट लगती है, क्लीन लगती है और कहीं भी देखने में ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी ऊट पटांग लगाया गया है। बात करें इन हेडलैम्प्स की, तो ये हैलोजन बेस्ड हैं और क्लियर लैम्प हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, यानी इनका थ्रो बढ़िया रहने वाला है। इन पे कोहरा वगैरह भी नहीं जमता है क्योंकि इनमें हीट प्रोड्यूस होती है, यानी थोड़ी बहुत गर्मी ये अपने हिसाब से बल्ब जो है बनाता है। हाई बीम और लो बीम एक ही बल्ब के दो पॉइंट में हो जाता है। साइड में इंडिकेटर का प्रोविजन भी आपको दिया गया है। बैक्सी का लोगो बीच में बढ़िया लगता है, कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। नीचे की तरफ सिंगल हेलिकल स्प्रिंग आपको देखने को मिलता है, बहुत से गाड़ियों में ये यूज होता है और सक्सेसफुल भी अब तक रहा है। काले कलर के स्टील रिम के ऊपर 4, 5, 10 के टायर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे फाइबर का मडगार्ड आपको देखने को मिलता है, जिसकी रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है और ये टूटता भी नहीं है क्योंकि बेंड नहीं होता। यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसका 10 इंच का व्हील। यहाँ पे आपको देखेगा फ्रंट मोनो लिंकेज, जिससे आपका हैंडल जो है वो कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो बैक्सी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, जैसे कि इस हेडलैम्प का जो प्लेसमेंट है वो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल इंजन, चूंकि ये पूरा का पूरा कंपनी है जहाँ से ये बैक्सी आती है, तो कॉन्टिनेंटल इंजन की बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। BS6 एरा में जो है ये जानकारियाँ काफ़ी यूजफुल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो गेट के जो कुंदे कब्जे लगाए गए हैं बाहर लगाए गए हैं, बैक्सी का स्टिकर आपको यहाँ भी मिलेगा। नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत रेडियम के काम इन्होंने करे हैं। एक थ्री व्हीलर ओनर को काफ़ी बढ़िया लगते हैं रेडियम के काम और बहुत ही नीट और प्लेन किए, कोई भी ऐसे अजीब सा नहीं लगता कुछ। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट से इस गाड़ी में मुझे कोई भी शिकायतें नहीं है, जिस हिसाब से बनाई गई है कहीं भी कोई एडिशनल कॉस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलती है जो जबरदस्ती कर दी हो। विंडशील्ड जो है वो बड़ी है, जो शीशे देखने के लिए लगाए गए हैं, रियर व्यू मिरर जो लगाए गए हैं वो बाहर की तरफ लगाए गए हैं। अच्छी चीजें हैं ये चीज कि बाहर की तरफ लगाने से विजिबिलिटी काफी बढ़िया होती है। गेटों का फिट और फिनिश आपको उतना बढ़िया नहीं लगेगा, पर फिर भी काफी बेहतर है। वाइपर सिंगल है, ड्राई वाइपर है, पानी इसमें कहीं भी नहीं कोई सिस्टम है। इसके अलावा स्लिम मोटर के साथ में ये आता है और विंडशील्ड बड़ी है, आपको देखने में कोई समस्या नहीं होगी, काफ़ी बढ़िया दिखता है। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो आप केबिन के अंदर जा सकते हैं। हैंडल के ऊपर इस होल में चाबी डाल के आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, तो लंबी सी आपको ड्राइवर सीट मिलती है। इस पर एक नहीं कभी दो बंदे भी बैठ जाएं तो आसानी से बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है वहाँ भी। यहाँ जो है आपको ब्रेक मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से ये काम करता है क्योंकि दोनों टायरों में एक साथ लगता है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये नीचे से एक्चुएशन होता है, ये हैंड ब्रेक का काम करता है। ये जो है वो रिवर्स क्लच कहेंगे इसको या फिर रिवर्स गियर, तो यहाँ से जो है आप इसको रिवर्स गियर को इंगेज कर सकते हैं। अब 4 स्पीड के गियर मिलते हैं क्योंकि हमने देखा है बक्सी में 4 स्पीड के गियर। यहाँ से जो क्लच वगैरह मिलती है, हैंड माउंटेड क्लच है और पैर वैर पर कोई सीन नहीं है इसका, तो ये बढ़िया तरीके से काम करती है। बाकी यहाँ पर जो है आपको एक मोबाइल वगैरह होल्ड कर सकते हैं आप, या फिर पर्ची वगैरह होल्ड कर सकते हैं, तो जो भी आपको यहाँ होल्ड करना है कर सकते हैं। इसको आप अगर चाहें बाद में तो चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। हजार्ड लैम्प का स्विच है, यहाँ पे आपको वाइपर्स, यहाँ पे आपको मेन लाइट्स का स्विच मिल जाएगा। ये बीच में पार्किंग और ये यहाँ से जो है सीन हो जाता है इसका। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको बक्सी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमने देखा था, ब्लैक और व्हाइट कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी बढ़िया आता है। यहाँ पे आपको फ्यूल दिख जाएगा, यानी कि डीजल कितना है आपकी गाड़ी में, 10 लीटर के आसपास का टैंक इसका है। टॉप स्पीड यहाँ दिखा देगा ये, तो इसकी टॉप स्पीड लगभग 60-65 तक जाता है, बट इतना चलाना नहीं है, लगभग 40 के आसपास चलाओ बहुत है। इंजन वगैरह, ये हीटर वगैरह की सारी वार्निंग्स वगैरह यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से जो है आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, ये अच्छी बात यह है कि अभी से जो है लॉक वगैरह हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी केबल लाइट वगैरह यहाँ है और
बेटर तरीके से प्लेस किया जा सकता था ऊपर कहीं। बाकी ऊपर जो है आपको कुछ भी नहीं मिलता, ये पूरा का पूरा प्लेन है। यहाँ से जो है काफ़ी थिन जो है वो ये पिलर है, ये शीशा जो है वो खुल जाता है। आप इसको अपने एंगल पे हवा लेने के लिए किस तरफ से आप हवा लेना चाहते हैं वैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये जो है वो वैसे एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें ये वाला जो शीशा है वो फिक्स्ड है, ये खुलता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है इस केबिन में है। यहाँ से जो है आप गेट को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, और गेट लगाने के लिए आपको ये जो है वो ग्रैब हैंडल मिलता है, तो आप इससे इस तरीके से गेट को लगा सकते हैं। ओबीडी पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि आप पहली बार तो चाबी आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई फॉल्ट गाड़ी में आ रहा है तो कंप्यूटर वगैरह लगा के आप यहाँ से जो है इसको फॉल्ट वगैरह देख सकते हैं। बाकी ये जो है वो 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप मोबाइल चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। वाइपर मोटर नीचे लगी गई है, और वाइपर मोटर नीचे लगाने से ये है कि यहाँ पे कोई एक अननेसेसरी बाहर नहीं आ रहा है, ये काफ़ी अच्छे से प्लेन है। केबिन काफ़ी शॉर्टेड लगता है, यहाँ भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ भी स्टोरेज स्पेस है, बैठने के लिए जगह है, घुटनों के लिए काफ़ी जगह है। मैं 6 फीट का आदमी हूँ, देखिए घुटने के लिए काफ़ी वगैरह जगह, तो ये सारी चीज़ों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। ग्रिप वगैरह ठीक है, ये सारी चीज़ें रीच में है, यहाँ बक्सी का लोगो है, ये सारी चीज़ें। बाकी आपको अगर राइट हैंड साइड दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये अपर और डिपर का स्विच मिल जाएगा, ये आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, यहाँ से आप जो हॉर्न वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। अब यहाँ आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी, तो ये जो है वो बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट आपको यहाँ दिख जाएगा। बाकी आपको केबिन वगैरह यहाँ दिखेगा, पीछे की तरफ से देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा 6.5 फीट के टाले में आप जो सामान रख रहे हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं, कि इसको जो है आप क्लोज यहाँ से कर सकते हैं। सीट के ठीक नीचे ही आपको स्टेपनी मिलती है, जिससे कि स्टेपनी चोरी होने का खतरा जो है कम हो जाता है। यहाँ आपको 4, 5, 10 के टायर्स मिलते हैं। गाड़ी के नीचे बहुत ही बढ़िया लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस मेंबर्स का काम किया गया है। गाड़ी की चेसी 6.5 फीट लंबाई के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ग्रेविटी के डिस्ट्रीब्यूशन में लाई गई है। 6.5 फीट लंबाई के कारण बहुत ही बढ़िया तरीके से इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रख के बनाई गई है। चैसी पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद आएंगी। वाई शेप की चैसी बनाई गई है, इसको जिस हिसाब से केबिन के पोर्शन के साथ में पीछे अटैच किया गया है वो बहुत ही बढ़िया लिंकेज है। रीइंफोर्समेंट मिलता है, मतलब इसके अंदर और भी प्लेटें वेल्ड करी गई हैं ताकि इसको और मजबूती मिल सके। अब इन्होंने ऊपर वाली बॉडी के नीचे भी जो क्रॉस मेंबर्स डाले हैं वो मुझे तो अच्छे लगते हैं। इसके अलावा पीछे दोनों ही तरफ आपको इंडिपेंडेंट रबर डैम्पर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपके सस्पेंशन थोड़े से बेहतर होते हैं। चैसी के ऊपर सारी चीजें हैं, चैसी के नीचे कोई भी तार कोई भी वायर लटक नहीं रहा है, बहुत ही नीट और क्लीन मैं फिर से बता रहा हूँ, और काफी लंबा और काफी बढ़िया डिस्टेंस इन्होंने बॉडी और चैसी के बीच में भी रखा है, जिससे कि आपका लोड कहीं ना कहीं स्टेबल रहता है। अगर हम पीछे के डाले पे बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर और बैक लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आप जो है BS6 का स्टिकर देख सकते हैं, बैक्सी का एम्ब्रोसिंग है, सुपर किंग का स्टिकर आपको दिख जाएगा, जिससे पता चलेगा कि गाड़ी जो है वो 6.5 फीट लंबाई वाली है। यहाँ पे आपको दिखेगा जिस हिसाब से इंजन प्रोटेक्शन के लिए चीजें लगाई गई हैं वो, हिंजिस कुंदे कब्जे दिखते हैं, रबड़ वगैरह दिखती है जिससे कि आपका डाला वगैरह टिक जाए। यहाँ पे आपको लगभग 10.5 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है, इसको आप चाबी से लॉक कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने देखा है कुछ कंपनियां जो है उसको लॉक चाबी से नहीं बनाती हैं, तो डीजल चोरी होने का खतरा रहता है, क्योंकि जब आप चाहें तभी आपको जो है चाबी से खोलने का मौका मिले, वही गाड़ी में होना भी चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से डाला है, ड्रॉप साइड डेक है, यानी कि तीनों तरफ से डाला जो है वो खुल जाता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि आपको इसको ऊपर भी पूरा बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, मडगार्ड वगैरह और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करे जा सकते थे, थोड़ी सी गुंजाइश मुझे वहाँ लगती है। बाकी स्टील रिम आपको मिलते हैं। पीछे की तरफ से देखने में केबिन कुछ ऐसा दिखता है। इसके बात करते हैं लोड बॉडी की, जिस कारण ये गाड़ी जो है वो इतनी फेमस है या फिर लोग खरीदते हैं। दोस्तों लगभग गाड़ी 11 फुट की पूरी लंबाई में आती है, पर 6.5 फुट के आसपास इसकी जो है वो लंबाई डाले की होती है, 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होती है, और 1 फीट की जो है उसकी ऊंचाई होती है। अब ये चीज़ें कंपनी कहती है, पर मेरे को थोड़ा सा भरोसा कम था, तो मैंने कहा कि नहीं भाई तुम तो डालो इंची टेप डाले के अंदर और हम खुद नाप के देखते हैं कि वास्तव में चीज़ें जो है वो कैसी हैं, क्या वाकई में गाड़ी की लंबाई वगैरह इतनी बढ़िया है। हालांकि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी, इसका जो अंदर से ओवरऑल फ्लोर का डिज़ाइन लगाया गया है, जितने गेज की भी चद्दर लगाई गई है वो सॉलिड फील होती है। दोस्तों अगर लंबाई की बात करेंगे तो आपको अगर यहाँ देखेंगे आप इंची टेप पे तो आपको 77-78 इंच के आसपास मिलेगी, और अगर चौड़ाई की बात आप गाड़ी की करेंगे तो लगभग 56-57 इंच के आसपास चौड़ी है, तो बिल्कुल जो कंपनी कह रही है उतनी ही जो है चौड़ी गाड़ी है, और काफ़ी मज़ेदार जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा डेक के बारे में हम स्टूडियो से बात करेंगे कि ये एक्चुअल में आपको फ़ायदा कहाँ करने वाली है।
इंजन के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इस इंजन को अब रस्सी से चालू नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ बैटरी अल्टरनेटर की मदद से ही इसमें जो है क्रैंक कर सकते हैं। 6.5 फिट वाले मॉडल के लिए रस्सी से चालू करने वाली मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाली कोई भी बात अपने दिमाग में ना लाएं। तो अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें लगा हुआ है CDI G598WD BS6 इंजन। अब ये डीजल वाला इंजन है और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, यानी कि बहुत सारे सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है देखेगा कि वाटर कूलिंग के लिए वाटर रिजर्व यानी कूलेंट वगैरह जो है दिख जाएगा। अल्टीनेटर भी लगाया गया है, 32 एम्पियर का ये जो है वो अल्टीनेटर होता है। 7 किलोवाट की मैक्सिमम पावर है जो कि 3600 RPM पे आती है, पर हम इसको चलाते हैं 2000 से लेकर 2400 RPM पर, जहाँ पे इसका सबसे स्वीट स्पॉट आपको 23.6 Nm का टॉर्क मिलता है। ये मैक्सिमम टॉर्क है और ये इंजन जो है पहले से भारी हो गया, यानी कि लगभग 63-64 किलो के आसपास इस इंजन का वजन है। रेडिएटर देखेगा बाकी गाड़ियों से अलग हटके यहाँ रेडिएटर पीछे की तरफ लगाया गया है, तो हवा जो है रेडिएटर में नहीं लगती है, पंखा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएटर में फ्रंट की तरफ से जो एयर आती है वो इनटेक नहीं है, बाकी चीज़ें तो सेम है। और यहाँ आपको देखेगा कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कि थोड़ी सी महंगी जो है वो चीज़ है। साइलेंसर जो है वो आपको धुआं वगैरह फिल्टर कर देता है, तो वो एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में अब तक बात नहीं कर पाए, जैसे इंजन के बारे में, माइलेज के बारे में, कितनी किस्त आएगी गाड़ी की, खरीदना है नहीं खरीदना, अच्छी और बुरी बातें क्या है। देखो यार, इंजन की बात ऐसी है कि इंजन जो है वो आपको पता है कि 125 हॉर्स पावर के आसपास की ताकत है और लगभग 23 Nm के आसपास का टॉर्क है। और ठीक है, इंजन ताकत है इंजन में, कहीं भी इंजन कम ताकत वाला नहीं लगता है। फ्लाईओवर चढ़ जाता है लोड, पूरे लोड के साथ, पूरे पेलोड के साथ में लगभग आप 450-500 किलो गाड़ी में भर लोगे, जो रेटेड लोड है। कोई कभी पता ही नहीं चलता गाड़ी में लोड है भी नहीं, कितनी भी बॉटल वगैरह पानी की डाल लो, गाड़ी दबती वबती नहीं है। तो वो एक चीज़ है कि इंजन वगैरह से कोई शिकायत नहीं आएगी, गियरबॉक्स से जुड़ी हुई कोई शिकायत नहीं आएगी, क्लच से जुड़ी हुई आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। ये चीज़ें इस गाड़ी में बढ़िया है, क्योंकि BS6 इंजन हो गया है तो वो सेंसर्स वगैरह ज़्यादा लगा दिए, तो वो एक चीज़ तो है। OBD port 2 आ गया है तो सेंसर वगैरह उसमें ज़्यादा है। दोस्तों अब आपको बात आती है कि गाड़ी की कीमत कितनी आएगी। तो देखो गाड़ी की इस समय जो कीमत आ रही है वो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास आ रही है, 3,40,000 से 3,50,000 के आसपास जो है गाड़ी की कीमत आ रही है। अगर मैं मान लेता हूँ कि आपने लगभग 50,000 रुपए के आसपास डाउन पेमेंट कर दिया, तो आपकी लगभग 7,000 रुपए के आसपास की किस्त आएगी अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए लोन से रिलेटेड, किस्त से रिलेटेड, कीमत से रिलेटेड, तो नीचे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, 3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे, आप लगा लेना, जो भी लग जाए, जिस पे भी आपकी बात हो जाए, वहाँ आपको बेहतर तरीके से कीमत वगैरह इस गाड़ी की मिल जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि यार इंजन अगर 600 cc के आसपास का लगा हुआ है तो माइलेज कितना देती है। यार देखो माइलेज की बात ऐसी, कंपनी क्या कहती है मुझे वाकई में नहीं पता कि सुपर किंग के लिए कंपनी क्या क्लेम करती है, पर मेरे को जो माइलेज नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है वो 25-27 25-27 28 25-27 28 के आसपास माइलेज मिलता है। अगर हाईवे पे चल रहा हूँ, नॉर्मल चल रहा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रही है, गियर नहीं चेंज हो रहा है, तो 28-30 तक भी माइलेज कई बार टच कर देती है गाड़ी। तो 25-30 के बीच में जो है 1 लीटर डीजल में माइलेज हमारा झूलता है। मेंटेनेंस के बारे में कोई ऐसा खास मेंटेनेंस गाड़ी में है नहीं, नॉर्मल जो आप सर्विस वगैरह कराते हैं वो सर्विस वगैरह करानी है, कोई अलग से चीज़ें नहीं डालनी। कूलेंट वगैरह जरूर आपको गाड़ी में डालना है, पहले वाली गाड़ी में हम नहीं डालते थे कूलेंट, अब यहाँ आपको कूलेंट का खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया है। कूलेंट है, बाकी ऐसी कोई और बाकी ऐसा कुछ मेजर मेंटेनेंस इसका है नहीं। 48 महीने की वारंटी बैक्सी देती है अपने इंजन ड्राइव लाइन पे, और इंजन पे आपको लगभग 48 महीने की वारंटी मिलती है। वो कैसे मिलती है, जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो एक बार सेल्समैन से पूछ जरूर लीजिए, जो वारंटी आप मुझे दे रहे हो इसको जरा समझा दो कि ये आप मुझे कैसे दे रहे हो, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, तो वो एक आप देख लेना। 48 महीने यानी 4 साल की पूरी वारंटी जो है देती है। दोस्तों अगर बक्सी सुपर किंग के कंपटीशन की बात करें तो इसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन तो है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ डाले की लंबाई के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि 6.5 फीट की जो है डाले की लंबाई आती है, तो 6.5 फीट की लंबाई में कोई डायरेक्ट आपको कंपटीशन मिलेगा नहीं। फिर भी महिंद्रा का अल्फा है, बजाज का मैक्सिमा सी है, अतुल का जैम है, और है लोहिया का भी हम सफर आता है, उसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा पियाजो का आपे वगैरह है जो इसको कॉम्पीट करते हैं, जो सब आपके पास इसके विकल्प है। इसके अलावा जो और विकल्प मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं। दोस्तों अगर टॉप स्पीड की बात करूं तो गाड़ी की टॉप स्पीड लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास आती है, बट इसको आप 40-45 के बीच में चलाओ सबसे बढ़िया चलती है, उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, गाड़ी भी नहीं भागेगी और आपको भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी बहुत तो चलती है 3 पहिया पे, तो कंट्रोल भी आपको जो है करना है, ब्रेक वगैरह गाड़ी के ठीक आते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि गाड़ी के बारे में कुछ अच्छी बातें क्या है। तो पहली अच्छी बात तो गाड़ी के बारे में यही है कि थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह गाड़ी का कम है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं है। इंजन बड़ा है, ताकतवर है, खिंचाई क्षमता बढ़िया है, गाड़ी जो है नीचे से जब गाड़ी खींचती है तो एकदम अच्छी चलती है,
जब ज़्यादा वजन भी भर लोगे तो एकदम चिपक के चलती है गाड़ी, दम नहीं तोड़ती है, वो एक कुछ चीज़ें जो है बढ़िया इसके बारे में मुझे लगती हैं। दूसरी जिस कारण ये गाड़ी बिकती है, जिस कारण जिसका नाम है सुपर किंग, तो ये किंग क्यों है, इस सेगमेंट की किंग क्यों है, क्योंकि इसका 6.5 फीट से भी ज़्यादा लंबा डाला आता है, 6.6 फीट का इसका जो है डाला आता है। देखो अब ये गाड़ी क्यों खरीदनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपका ये फैक्टर कि यार आपको क्या वाकई में 6.5 फुट लंबी गाड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग 8 फीट के आसपास तो एक बुलेरो पिकअप का भी डाला आता है, तो लगभग 1.5 फीट ही तो इससे ज़्यादा अंतर हुआ। नॉर्मल जो गाड़ियाँ आपको मार्केट में मिलेंगी वो 5.5 फीट से लेकर 6 फीट के आसपास की मिलेंगी, पर यही एक गाड़ी ऐसी है जो 6.5 फीट में आती है। अगर आप रेती वगैरह के लिए लेते हैं, फिक्स नाप के चलाते हैं, तो आपके लिए सेंस बनाती है कि नहीं बनाती है मुझे नहीं पता, पर अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए लेते हैं जहाँ आपको वाकई में लंबी डाले की ज़रूरत है, जैसे कि प्लाई का आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा आ जाएगा, कैरेट जो है वो ज़्यादा आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इसमें आ जाती है, तो अगर 6.5 फिट का डाला आपको वाकई में सेंस बनाता है तो आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए। अब अगर 6.5 फिट के डाले की आपको बार बार ज़रूरत लगती है कि अरे मैं 6.5 फिट डाले का क्या करूँगा, तो भैया 6.5 फिट वाली गाड़ी के साथ मत जाओ, और 5.5 फिट वाली गाड़ी चाहे तो बक्सी सुपर ले लो, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, रस्सी वस्सी से चालू हो जाती है, इसकी तरह बार बार सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें ऑप्शन मिलते हैं तो वो आप ले सकते। एक और चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के बारे में बढ़िया लगती है वो इसकी बॉडी क्वालिटी, बहुत बढ़िया पेंट क्वालिटी, बॉडी क्वालिटी, फिट फिनिश जो थ्री व्हीलर में देखते हैं, गेटों को अगर मैं छोड़ दूँ उसके अलावा बाकी सारी जगह बढ़िया, जॉइंट्स वगैरह, चैसी वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों कुछ बातें जो मुझे इस गाड़ी के बारे में पसंद नहीं आती हैं, वो पहली चीज़ तो यही है कि इनको जो इनके लिंकेज है, जो टाई एंड रॉड है, जो एक्सल पीछे का है, वो थोड़ा और बेहतर करना चाहिए। पहिया आज भी ऐसे चलता है तो आपका पहिया जो है एक तरफ से घिस जाता है, पीछे के दोनों टायर जो है वो तिरछे चलते हैं तो घिस जाते हैं, तो लगभग आपको 2500 रुपये का 4, 5, 10 का टायर जो है बदलवाना पड़ता है। MRF का सवारी ट्यूब वाला टायर आता है, तो वो एक चीज़ आपको देखना चाहिए, वो बक्सी को देखना चाहिए कि भैया ये जो टायर है वो उसको थोड़ा सा चेंज करा लेना चाहिए। दूसरी बात, बक्सी की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू मार्केट में कुछ गाड़ियों के जितनी नहीं है, कम रीसेल वैल्यू मिलती है आपको, जब 4 साल बाद 5 साल बाद मन भर जाएगा गाड़ी से आप बेचने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी कम पैसे इस गाड़ी के बदले में कम पैसे मिलने वाले हैं। और एक इनका जो आफ्टर सेल्स नेटवर्क है, तो मैं आपको तभी सलाह दूंगा बक्सी की गाड़ी लेने की जब आप जिस शहर में गाड़ी चलाने वाले हैं वहाँ पे बक्सी का शोरूम हो, क्योंकि दोस्तों शोरूम बहुत ज़रूरी है, इनके पार्ट्स वगैरह ओपन मार्केट में उतने आसानी से नहीं मिलते जितने की बाकी गाड़ियों के मिल जाते हैं, तो एक वो चीज़ देखने की है। हालांकि इंजन अब बहुत सारी और भी गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लगभग 3 से 4 कंपनियाँ जो है ये सेम इंजन यूज़ कर रही हैं अलग अलग नाम से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी कॉन्टिनेंटल इंजन जो है खुद इंजन बनाते हैं, तो वो एक ऐसी कोई खास समस्या नहीं है कि कोई पार्ट पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, मिल जाती हैं पार्ट्स, टेक्नोलॉजी सीधी है। बाकी उतना आसान अब नहीं रहा क्योंकि OBD पोर्ट आ गए, चारों तरफ इंजन में सेंसर लगे हैं, एक देसी मैकेनिक को काम करने में भी दिक्कत होगी, जिन्होंने बक्सी के वहाँ से ट्रेनिंग ली होगी वो थोड़ा बेहतर जो है इस गाड़ी पर काम कर सकते हैं। बाकी BS3 और BS4 जितना मज़ा अब इन गाड़ियों में नहीं है, किसी भी BS6 गाड़ी में नहीं है, तो BS6 गाड़ियों में हल्की बहुत शिकायतें तो आ रही है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, अगर आप गाड़ी को खरीदना चाहते हैं नीचे नंबर आ रहे हैं, कमेंट वगैरह में नंबर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप जो है बिल्कुल लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं गाड़ी के बारे में क्या है, कुछ कीमत आ रही है, कैसी चीज़ें हैं। तो अगर 6.5 फिट डाले की वाकई में ज़रूरत है तो आप बिल्कुल बक्सी सुपर किंग ले लीजिए, अदरवाइज आप बक्सी सुपर ले सकते हैं, किसी और कंपनी की कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। बक्सी सुपर जो है एक मेरे हिसाब से बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत ही कमाल का काम किया है 6.5 फुट डाले इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि कई बार मान लो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लंबी लंबी होती है और दिक्कत आती है उनको लोड करने में छोटे डाले में, तो डाला जो है बड़ा देना बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो बक्सी सुपर के बारे में, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए, ट्रैफिक पुलिसमैन से कभी मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।